मेडिकल एजुकेशन इन यूरोप AMEE ने भारत के 4 मेडिकल इंस्टीट्यूट को भारतीय शिक्षण पद्धति को यूरोप में बढ़ावा देने एवं अन्य उपक्रमों के लिए चुना है। इनमें दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अभिमत विद्यापीठ भी शामिल है। इस संस्थान के प्रकुलपति डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने पत्र परिषद में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को AMEE की लॉन्चिंग होगी। समारोह में CME पैनल चर्चा व 4 AMEE नेटवर्किंग केंद्र शुरू होंगे। इस दौरान प्राध्यापक डॉक्टर रोनाल्ड हार्डन, प्रोफेसर डॉक्टर स्कॉट जॉनसन, प्रोफेसर जूडी मैककिम, विलियम डब्ल्यू पिस्की, डॉक्टर रसेल डिसोजा, डॉक्टर अभिजीत सेठ, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, डॉक्टर मोहनन कुन्नमल, डॉक्टर माधुरी कानिटकर, डॉक्टर MD वेंकटेश, डॉक्टर नीलम मिश्रा, डॉक्टर राजीव बोले मार्गदर्शन करेंगे। पैनल चर्चा सत्र में डॉक्टर कीर्तना नायक, डॉक्टर दिनेश बड़ियाल, डॉक्टर SS कृष्णमोहन, डॉक्टर गौरव मिश्रा, डॉक्टर अविनाश सुपे, डॉक्टर पूर्णिमा बरुहा, डॉक्टर साहिबा कुकरेजा, डॉक्टर लता रविचंद्रन शामिल होंगे। दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन यूरोप, जिसे कॉमन शब्दांकन में एमई कहा जाता है, AMEE, उसका जो इंडियन प्रोग्राम है उसका शुभारंभ कल से होने जा रहा है। एमईए सारे यूरोपीय देशों की संस्था है जिसका वैद्यकीय शिक्षण के अंतर्गत बहुत बड़ा दखल है। भारत का वैद्यकीय शिक्षण स्वरूप वेस्टर्न मेडिसिन का है और ये ब्रिटिश लीगसी के साथ इस देश के अंतर्गत आया। आज भी वैद्यकीय शिक्षण की मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की भाषा इंग्लिश है और इसलिए कॉमनवेल्थ कंट्रीज का एजुकेशनल स्वरूप, जिसका एमई एक दृष्टि से सूत्रधार है, एक बहुत बड़ी दखल मेडिकल एजुकेशन में रखता है। सारे यूरोपीय देश उसके सदस्य हैं। एमई ने भारत के अंतर्गत उन्हें 4 सेंटर्स को मान्यता दी, जिनमें दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एक है। इसके साथ उत्तर भारत के अंतर्गत क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना को मान्यता दी गई, दक्षिण में मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मैंगलोर को मान्यता मिली और पेनीमलाई मेडिकल कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु में, इन 4 सेंटर्स को उन्होंने मान्यता दी। इन 4 सेंटर्स के लॉन्च का एमई प्रोग्राम इंडिया का सामूहिक उद्घाटन, दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को होस्टशिप दी गई, जिसका उद्घाटन एक दिवसीय समारंभ के साथ, जिसके अंतर्गत एक वर्कशॉप भी आयोजित है जिसमें देश के 150 वैद्यकीय महाविद्यालयों के प्रतिनिधि निमंत्रण के तौर पर शामिल होंगे। 4 सेंटर्स की जो प्रमुख लीड फैकल्टी हैं, जिनमें दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लीड फैकल्टी डॉक्टर गौरव मिश्रा और इतर 3 सेंटर्स के जो लीड फैकल्टी हैं वे भी उनका समावेश होगा। उद्घाटन के लिए महत्वपूर्ण लोगों की उपस्थिति है, जिसके अंतर्गत भारत की ओर से नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात शेठ, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हेल्थ साइंसेस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहनन, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कराड़ की वाइस चांसलर डॉक्टर नीलम मिश्रा, इनके समावेश के साथ ये जो 4 सेंटर्स हैं इनके भी विद्यापीठ प्रमुख दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के वाइस चांसलर डॉक्टर राजीव बोरले, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के वाइस चांसलर, उसी तरीके से पेनमलाई के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना के भी, उनकी भी उपस्थिति रहेगी। एमई की ओर से उनके जो प्रमुख, यानी दुनिया के अंतर्गत जिनका मेडिकल एजुकेशन में जिन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है, ऐसे डॉक्टर रोनाल्ड हार्डन, डॉक्टर जूडी और उनके सारे प्रमुख उसके अंतर्गत सम्मिलित होने वाले हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा लॉन्च राष्ट्रीय स्तर का, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि देश के हित के अंतर्गत इस आज़ादी के अमृत महोत्सवी वर्ष में घटित होना, ये अपने आप में यूनिवर्सिटी के लिए, वैद्यकीय शिक्षण के लिए और विनम्रता से अगर मैं कहूँ तो देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस महत्वपूर्ण प्रयास को लेकर के यूनिवर्सिटी ने पिछले 15 वर्षों में अथक परिश्रम करके एक पहचान बनाई,
उस पहचान को इस रूप में मान्यता मिलना मेरी दृष्टि से एक निश्चित तौर पर बहुत बड़ा अध्याय विद्यापीठ की उपलब्धियों के अंतर्गत कल जुड़ने जा रहा है। और इसलिए हम इस बात को भी महसूस करते हैं कि इसके मातहत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी विद्यापीठ और उसके सेंटर पर आई है, पर जिस प्रकार की टीम कुशल नेतृत्व के अंतर्गत हमारे यहाँ काम करती है उसके माध्यम से निश्चित रूप से सुचारू रूप से शुद्ध हो में सफल होगा। और इसके दूरगामी परिणाम जो अपेक्षित हैं कि आज भारत देश चूंकि दुनिया के अंतर्गत ट्रेंड हेल्थ मैन पावर जनरेट करने वाला सबसे प्रमुख देश है, और इसलिए यहाँ का वैद्यकीय शिक्षण जब तक अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के अनुरूप नहीं होगा तब तक वह एक स्वरूप जो हम इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट की बात करते हैं उसके इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट के स्वरूप का चरितार्थ होना संभव नहीं हो पाएगा। ये उस दृष्टि से भी एक अत्यंत मौलिक महत्वपूर्ण और दूरगामी तौर पर परिणामकारी कदम है, ऐसी हमारी धारणा है। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।